नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि UPSC NV50 का एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आई थी एडवर्टीजमेंट की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो UPSC NV50 का एग्ज़ाम है वो 4 चरणों में होना है और प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो मई से प्रारंभ होगी। मई की लास्ट वीक की डेट दी थी, लेकिन लगातार आप लोगों के कमेंट्स में चेक कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये क्वेश्चन उठना भी वाजिब है क्योंकि तैयारी करने में तभी और अच्छा लगता है जब आगे डेट निर्धारित हो। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी कल की अगर हम बात कर लें, 18 अप्रैल रविवार को NDA का एग्ज़ाम था और जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हो सकती हैं, बट एग्ज़ाम हुआ। ऑल द इंडिया का एग्ज़ाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है इंडिया, तो अगर यूपी और जो UPSC का एग्ज़ाम है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू होता है क्योंकि UPSC उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश के जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है जैसा आप लोग जानते हैं। लेकिन यूपी सरकार द्वारा भी अभी हाल ही में कई परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं जो प्रस्तावित थी अप्रैल महीने में। वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप लोग देख ही रहे हैं, अगर मैं सब जगह का हाल आप जान रहे हैं, कोविड के जो केसेस हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये महामारी बहुत तेज़ी से पैर फैलाती जा रही है। लखनऊ की कंडीशन और अगर प्रयागराज की कंडीशन कर ले तो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। आज ही के न्यूज़पेपर में देख पा रहा था और आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर की बात नहीं करें, न्यूज़पेपर में तो कल आएगा, ऑनलाइन मैंने चेक किया हुआ था कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रयाग इलाहाबाद न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जो 5 शहर हैं सबसे अधिक कोविड से प्रभावित उनमें लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो यह है कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है, जो भी परिस्थितियां हों या जो भी मजबूरियां हों वो तो कल डिटेल में अखबार में आप लोग देखेंगे उसको। तो सरकार लॉकडाउन के मूड में नहीं है, कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे, तो इन परिस्थितियों में क्या एग्ज़ाम हो पाएगा ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरीके से कुछ एग्ज़ाम टाले गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम टाले गए हैं जो अभी अप्रैल में या मई में होने प्रस्तावित थे, तो इस तरीके से एक पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः ये एग्ज़ाम ना हो और इसकी डेट आगे बढ़ जाए। लेकिन फिर भी देखिए, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जनता की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कोविड महामारी है इस पर किसी तरीके से कंट्रोल पाया जाए और जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। तो अगर स्थितियां सामान्य होती तो एक बार हो सकता है कि एग्ज़ाम आपके समय पर हो। लेकिन एक प्रश्न और उठता है, आपने देखा होगा कि जो आवेदन की तिथि थी UPSC में अप्लाई करने की उसकी डेट आगे बढ़ाई गई थी, तो डेट बढ़ने के बाद एक और ये संभावना फिर प्रबल हो जाती है कि जो मई लास्ट वीक में एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो शायद उसकी भी डेट आगे एक्सटेंड की जाए। तो अगर आप मेरा अनुमान देखिए दोस्तों, क्या है कि ये तो समय ही बताएगा कि डेट आगे जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आगे पोस्टपोन होती है, आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मई की लास्ट वीक में संभवतः हो सकता है कि एग्ज़ाम ना हो पाए। लेकिन अभी आप लोग अपनी तैयारी यही मान के करते रहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मई के लास्ट में है, आपके पास चाहे आप जिस विषय से हों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है और आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी अगर वाकई में आप जो है फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं इससे भी अनुमान लगा सकता हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 8 से 9 महीने से मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ GK पार्ट को कम्प्लीट करने के, और फिर भी अभी भी अगर मैं जब अपने नोट्स देखता हूँ जो मैं तैयार करता हूँ, एक एक टॉपिक को चेक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, बहुत सारा वर्क करने की अभी भी आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से आप यही मान के तैयारी कीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मई लास्ट वीक में है, पाठ्यक्रम को भी देखते रहिए, GK पार्ट को भी तैयार करते रहिए। सार्थक क्लासेज ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर में विजिट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा रहा था वर्तमान में कोविड के कारण मेरे लिए उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है। वीडियोज़ भी कम आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है दोस्तों कि मेरा जो स्टाफ था वो सारा छुट्टी पर है, सबको कोविड को देखते हुए मुझे छुट्टी देनी पड़ी सबको,
और इस कंडीशन में जो जितने भी वर्क हैं स्वयं मुझे ही करने पड़ रहे हैं, और तो इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे कोई अगर अपडेट होगा इससे संबंधित एग्ज़ाम को लेके, UPSC को लेके, तो मैं आप लोगों को अवश्य अवगत कराऊंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।